तहरा से होई तो पनी काहे बगुआ बात ना होई तो यो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। अच्छा माने बतियायो के हमरा ना ना रे तोरा सब कब ले जाइल बनी थाना पर गोल लगातानी समाचार बटुए चौंगाई प्रखंड के मुरार थाना से मुरार पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव के बंजरिया के पास भइल अपहरण। सचिव अंतिम बार रो रो के अपन माई से कहलन अब ना हम बचब रे माई। दिन भर थाना पे लागल रहल लोग के हुजूम मौका पे पहुँचने DSP साहब। नमस्कार हम चंद्रशेखर सिंह खबर विस्तार से सुनी। मुरार पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव के अपहरण दिन दहाड़े लगभग 11 बजे के करीब कलिहल गई बा। एकर सूचना घर वाला लोग के तब मिलल जब ग्राम कचहरी सचिव विकास पासवान जिनकर नाम बटुए बाबू जी के नाम समरू पासवान उम्र 30 बरिस गाँव पाणेपुर के रहे वाला हमें अपन माई के फोन करके घर पर बोले कि माई अब हम ना बचब ई हमार अंतिम कॉल ह। एकरा बाद उनकर फोन बंद हो गई। एकरा बाद परिवार के सदस्य बेचैन हो गए। आनंद फानन में ग्राम कचहरी सचिव के पिता समरू पासवान मुरार थाना पे पहुंच गए। ई बात जंगल में आके तरह पूरा पंचायत में फैल गई। पहले ही से थाना पे मुरार पंचायत के सरपंच रामू प्रसाद सहित सैकड़ों के संख्या में लोग पहुंच गईलन। जैसे ही मुरार थाना में पंचायत सचिव के अपहरण के सूचना दिहल गई मुरार थाना के प्रभारी अपन वरीय पदाधिकारी के एकर सूचना दे दिले। मौका पे DSP के सिंह भी पहुँच गईनी। वही संबंध में जानकारी दे ग्राम कचहरी सचिव विकास पासवान के पिता सौरू पासवान बतैलन कि हमार बेटा 10 बजे ग्राम कचहरी मुरार में जाए खातिर तैयार भइल। हम ही अपना लड़का के मुरार ग्राम कचहरी में छोड़े खातिर साइकिल से लेके जात रही। तब तक रास्ता में गाँव ही के एगो व्यक्ति जौन की PDS डीलर के काम करलन उनकर लड़का हमार बेटा के यानी ग्राम कचहरी के सचिव के मोटरसाइकिल पर बैठा के मुरार छोड़े खातिर बात कहलन। हम संतुष्ट हो गईनी कि गाँव ही के एगो लड़का हमार बेटा के लेके जाता। लेकिन पांडे पूरा बंजड़िया मोड़ के पास ग्राम कचहरी सचिव यह मोटरसाइकिल से उतर गए। वो कहले कि हमारा कुरान सुनिया जाए के बाद जेकरा बाद कुछ लोग देखले कि पहले ही से खड़ा हो जाए वो टेम्पू में सवार होके ग्राम कचहरी सचिव निकलने। एकरा आधा घंटा बाद ही सचिव अपना घर के फोन कैलें आ सचिव रो रो के अपन माई से संबंध में जानकारी देवत कहले कि माई अब हम ना बचब। वही मामला के लेके ग्राम कचहरी सचिव के पत्नी के रो रो के बुरा हाल बा। वो कहली कि अब हम केकरा सहारे रहब आखिर के ले गए ननकी के बाबू के बतावत चली कि सचिव के दू गो छोट छोट लड़की बाड़ी जो उनकी 5 साल के या 2 साल के लड़की बाड़ी अपन पापा के राह थाना में बैठत बैठत दिन भर देखत रहली। ओजे मौका पे थाना पे पहुँचल DSP KK सिंह कॉल डिटेल निकाले लगनी। एकर मकसद ही रहे कि अंतिम कॉल कहाँ आके करा से भइल रहे। DSP KK सिंह बतैनी कि हमनी के बहुत नज़दीक पहुँच चुकल बनी जाए जल्द ही मामला के पटाक्षेप कर दिहल जाए। ये अपहरण कांड में आ रहा बा राजनीतिक बू। ओजे कुछ लोग ऐसा भी कहत नजर आवत रहे कि हमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है राजनीति के तहत ऐसा कही जा सकता है। हालांकि कुछ भी कहल अभी उचित ना हुई। जब इस संबंध में ग्राम कचहरी सचिव के पिता से बात कर गई तो वहाँ के बतैनी कि हमार बेटा के ना केहू से लड़ाई रहे ना झगड़ा रहे। हालांकि हमार बेटा जब ग्राम कचहरी में सवेरे के समय जाए के होत रहे तो कहत रहे कि हमार मन ग्राम कचहरी में जाए के नहीं खेब करत। यही बात के लेके कुछ लोग अंदेशा लगा कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता। सुनी बहन खैले पिहले हैं ओकर बाद में कहें कि हम जाते नहीं ग्राम कचहरी सचिव अपना हाजिरी बनाबे खातिर तो यही मुरार में तो फिर ओकरा बाद में ये सब कहें कि से वो कहें कि से हमारा आत्मा नहीं खेत करते जाए के मैंने घर के परिवार कहल है वो कहले हैं हाँ लड़का कहले हैं तो हम कहें कि से नहीं खे लोग कहल कि नहीं खे करत तो तू हम हमारा के भेजल हलो कि से तू कहल कि जाते नहीं हम हाजिरी बना के चलिए तो कहल हलो कि से ना उ तो गोले उजा हाजिरी बनाबे खातिर जा उनका के लिए आब उनकर महतारी कहे कि तबियत उनकर जो आयल बता विकास के हमारा लड़का के धड़कन मारत हम ना जाए हाँ तो फिर ओकरा बाद हम साइकिल से पीछे उनका लगनी है हाँ हम अपना रोड में थोड़ा दूर रहनी है पाणेपुर वाला में कि से हमारा मोबाइल साइकिल पर बैठ तो कहल है कि से ना हम पापा से हम अही तरी चलत नहीं चल कहीं ना हमारे बैठ हम कचहरी में ले चल के छोड़ब आ तब हम अपना गांव घर के आदमी के हम चाचा के लिया के आवत नहीं तारा के हम लिया के घरे आई तब तक से एगो डीलर के लड़का हवन कमल नाव हो उ बेचारू भेटा गुल हैं कहीं कि कमल कहाँ जीब तो जाई मुड़ार कहीं किनकरा के बैठा लो आ लेके इनकरा के कचहरी में जा मुड़ार थाना पर छोड़ दी। तब तक से हम जानिए कि भाई अपन आदमी के संगे बैठ गए ये क्या कहें कि बंजरिया जाके उतरी गए हैं लड़का
उतर गेल तब तक से हमारे गांव के एगो तिवारी जी बैठ रहे हैं। बंजरिया अले है आवे खाती मुरार आवे खाती पाणेपुर से। हाँ अपना सचिव हमें ग्राम कचहरी सचिव। हाँ उतरले हाँ ओजा तो गाड़ी वाला के हम फोन कैनी हाँ कि भाई उनकर के कहाँ छोड़ रहा। हाँ तो बंजरिया उतर गेले हैं। फिर ओकरा बाद में हम साइकिल लेकर अभी घरे जा तानी तब तक से घरे फोन आयल बा कि माई रे हम पकड़ा गईनी। ये लोग से बात भइल बा कि पकड़ा गईनी तभी दौड़ कहली है से मुलायम मामा के अथी कर। अब हम मुलायम के मुखिया जी के हैं उनकर सार बड़े मुलायम। हम दौड़ल गईनी हकासल पियसल तो मुखियो जी ना रनी रनिया ब्लॉक में। फिर वजह से मुलायम को हम लेकर बंजरिया पहुँचनी है तब तक से वो आदमी से हमारे गाँव को रहा पूछनी है कि दो आदमी उतरले हैं। तो हाँ एगो लड़का पियर कुर्ता लगौले रहल उतरल ह आ उतर के अभी एने ना गोल है कि केने गोल ह। तब तक से हम कमल से पूछनी है क्या तू छोड़ ला कहाँ तो बंजरिया उतरले है पहले से टेम्पू लग रहा टेम्पू पर बैठल बड़े तो कहल कि जाते नहीं दवाई के। वही बीच में ये घटना घटल बा खबर आयल ह कि माई रे हम पकड़ा गई नहीं है। तब तक से हम दौड़ल करीब 10-11 करीब में होते हुई सर 12 लगभग मैसन है। लड़किया तीन गो बारन हाँ ये बढ़ रहा है विकास रहा है। हमारा नाम पर सौरू प्रसवान हाँ घर ठोरी पांडेपुर। फोन आयल है 12 बजे सर जन ने वो घर से निकल रहा नो तो थोड़ा ही घंटा के बाद हमने के फोन उनका पर लगावे लगनी है जा तो रिंग होत रहे उठावत ना रहन तो फिर हमार दिल घबराइल है जनी सर कहने की भाई बबुआ फोन काहे नहीं खे उठावत तले वो अपने से फिर कैला हन तो कैला हन तो एगो बच्चा उनकर 5 साल के लड़की बाड़ी लड़का बाड़ी तो इनके से वो कल हन कि हमारा बुचिया के धरा हुए बुचिया तो ई ले ली है तो कहली हन कि पापा हो कहाँ बाड़ तो ये बेटा तहर पापा है अब नई खन हाँ नई खन कल हन हाँ लड़का कि पापा है अब नई खन है बेटा तहर तो हम अतने बतियस तू नहीं सर तो हम छीन लेनी है मोबाइल आवा कहीं दह हो दादा हम बतियाई बबुआ हो कहाँ बाड़ तो माई हो अब बबुआ तहर नई खन हाँ रोई रोई बबुआ हो माई अब तहर नई खन तो आई है बबुआ जगह ही बताओ ये बबुआ हम बाबूजी के साइकिले से विदा करते नहीं ये बबुआ तो ये माई हो कैसे बताई जगह ना बताई अब हमार से भेंट ना हो तारा ना ये सर जी कोई से ना दुश्मनी रहे हमार तो बाबू 10 गो लड़का में के लड़का होने सर कुछ नहीं का उनकर औरतियो बाड़ी हमार कुछ ना हमार बाबू झगड़ा के घर से केहू से झगड़ा जने तो ना से झगड़ा जने तो है ना कोई से ना बोलनी है कि हम जाता नहीं तो हम कहनी कब बोल रही है कि हमें तबीयत ठीक नहीं है तो हम कहनी ठीक बना के तब मत जाए फिर कहनी ना हाजिरी बना के आ जाए तो फिर हम कहनी यानी कि जाए तो फिर गोनी यानी फिर आई नहीं बजरिया पुल पे ना केहू से ना खाना वाना खाओ के सब कुछ करके गोनी यानी कपड़ा पे पहन के अंशु कुमारी खाना और सब चीज ठीक रहे। हाँ तहरा से होई तो कनी काहे बबुआ बात ना होई तो यो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। अच्छा माने बतियाए के हमरा ना ना रे तोरा सब कब ले जाइल बनी थाना को 1 घंटा ले हो गेल 1 घंटा हो गेल डीएसपी साहब आइल बड़ा नहीं है कैसे पता लगल कि यह प्रकार के घटना घट गई है। उस समय शायद 10 बजे रहे तो रोरा फोन कब बजे कर 10:30 बजे वो फोन कर ले रहा है हमरा पास रोरा पो। अच्छा ठीक ओकरा बाद कलन के हम आवत नहीं हम ठीक बाय आवो ओकरा बाद फिर कोनो बात ना भेल हम 12:51 में फिर फोन कइनी है। हां जन से कि फिर फोन ना लगल स्विच ऑफ तब ई न्यूज मिलल है एक आदमी आइल है पाणेपुर से संतोष जी रविदास सोन वो आके बतैला हन हमरा के कि हे तरीका के बात बा। हाँ तो हम फिर गईनी है पाणेपुर तो वहाँ मुखिया जी भी रहा बहुत सारा भीड़ लागल रहे आदमी मतलब पहले से कोनो कचहरी में झगड़ा झंझट मारपीट ऐसा कुछ नहीं कुछ ना जी ना। का नाम पड़ी राउत रामू प्रसाद पद सरपंच कौन पंचायत मुरार पंचायत